कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई ने बड़ा फैसला लेते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले बच्चों के पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। इसमें मांग की गई थी कि बोर्ड को एग्ज़ाम रद्द कर देना चाहिए। इसमें यह दलील दी गई थी कि सीबीएसई विदेशों में मौजूद 250 स्कूलों की परीक्षाएं रद्द कराने का फैसला पहले ही ले चुका है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में यह जानकारी दी है। अब स्टूडेंट का असेसमेंट उनकी पिछली 3 एग्ज़ाम के आधार पर होगा। उनके पास बाद में परीक्षा देने का विकल्प होगा। 12वीं की एग्ज़ाम 1 से 15 जुलाई के बीच होनी थी। देश भर में इसके 12 सब्जेक्ट के पेपर बचे हैं। 18 मार्च को ये परीक्षाएं टाल दी गई थी। अगर कोरोना नहीं होता तो परीक्षाएं देश भर में 3000 सेंटरों पर हो जाती, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सीबीएसई को बचे हुए पेपर कराने के लिए 15000 सेंटरों की ज़रूरत होगी।